friends, we are grateful to the Lord for giving us this time to study His word. प्रिय मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं. आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 11 से लेकर के उसके 22 पद तक. टुडे आवर टेक्स्ट फॉर द स्टडी इज इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 11 टू 22. इसके पहले कि हम अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना प्रभु के आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, हमारे मनों को तैयार करें. लॉर्ड, वी प्रे दैट यू प्रिपेयर आवर हार्ट्स एंड माइंड एज वी स्टडी योर वर्ड. इन जीसस मैचलेस नेम आई प्रे, आमीन. यहाँ पर कल हमने देखा, कल के बाइबल अध्ययन में हमने देखा किस प्रकार से संत पौलुस कहते हैं, दूसरे अध्याय से हमने देखा था इफिसियों के दूसरे अध्याय में कि परमेश्वर ने हमें जिलाया और जो हम पहले अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे और संसार की रीति पर चलते थे, उसने हमें जिलाया और नया जीवन दिया. हमने दूसरे तीसरे पद में 6 बातों का वर्णन देखा और 6 बातें क्या थी कि पहले हम इस संसार में आकाश के अंधकार के हकीम के अधिकार में चलते थे, हम पहले आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करते थे, उनके समान कार्य करते थे. तीसरी बात हमने देखी कि हम सब के सब अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे. चौथी बात हमने देखी कि शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे. पांचवी बात हमने देखी कि हम अपने जीवन के अंदर उन कामों को करते थे जो अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान. तो इन 5 बातों पर हमने गौर करा और हमने और बातों पर गौर करा कल. आज हम उससे आगे देखेंगे 11 पद से, और यहाँ लिखा है 11 पद में पौलुस कहते हैं, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर के में हाथ के खतनाओं के खतना के से खतना वाले कहलाते हुए तुमको खतना रहित समझ कहते हैं. अब यहाँ पर पौलुस इस बात को प्रकट करते बताते हैं कि जो खतना है, जो शरीर का खतना है, वो अपने आप में शरीर का ही खतना है, उससे हमारे आत्मिक जीवन का कोई लेना देना नहीं है. और इसलिए हमें अपने आप को सतर्क रखना है कि हम उन बातों में दूसरों को बहका ना दे या हम इन बातों के बहका में ना आ जाए. पौलुस यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि हम उन बातों कारण बहकाव में ना आए या अपने जीवन को इन बातों कारण अपने जीवन को संसारिक बातों में ला करके खड़ी ना कर दे, पर हम इससे आगे देखना सीखें, प्रभु में आगे बढ़ना सीखें. खतना के बारे में वो कहते हैं, और इसलिए हम इन बातों को जानते हैं कि जो खतना है वो यहूदियों के लिए एक परंपरा थी. परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसने कहा कि उसने जब व्यवस्था दी, वाचा बांधी अब्राहम से या इब्राहिम से, तो उसने कहा कि मेरे वाचा का चिन्ह तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारे जो मेल चाइल्ड हैं उनका खतना किया जाए. तो खतना अब्राहम के साथ जो ईश्वर ने वाचा बांधी उसके चिन्ह के अनुसार परमेश्वर ने दी. लेकिन हम पढ़ते हैं नए नियम में मत्तियुस सुसमाचार के 5वें अध्याय के 17 पद में कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं पर पूरा करने आया हूँ. और व्यवस्था का मतलब सारी व्यवस्था, क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुए 8वें दिन उसका खतना हुआ, हम इस बात को देखते हैं वचन के अंदर लिखा है, तो उसने उसको भी पूरा करा. तो अब हम यीशु मसीह में जब अपने आप को पाते हैं तो हम इस बात को स्मरण करें कि हम शारीरिक रीति से चाहे अन्य जाति हों, और हम हैं भी, लेकिन अब हम उस खतना पर आधारित नहीं होना चाहते हैं जो यहूदियों का किया जाता. यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जब हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के कारण मानो परमेश्वर हमें साथ वाचा बांधता है कि हम उसके संतान बन जाते हैं, उसके परिवार के अंग बन जाते हैं. लिखा है, देयरफॉर रिमेंबर दैट एट वन टाइम यू जेंटाइल्स इन द फ्लैश कॉल्ड द अनसर्कमसीजन बाय वॉट इज कॉल्ड सर्कमसीजन which is made in the flesh by hands.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात यहाँ वो कहते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। उस दशा में जब हम खतना की दशा में, बिन खतना की दशा में संसार में थे, यीशु मसीह से अलहदा थे, यीशु मसीह से अलग थे, तो हमारे जीवन के अंदर वो कोई आशा नहीं पाई गई। यहाँ साफ साफ पौलुस कहते हैं, लिखा हुआ है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। कब? जब तुम उसको नहीं जानते थे, जब मसीह तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं आया था, तुम सांसारिक बातों में जीवन व्यतीत कर रहे थे और मसीह से अलग थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी भी ना थे। प्रतिज्ञा की वाचा, ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा अब्राहम से करी और अब्राहम को उसने खतने का चिन्ह दिया, लेकिन वो जो अन्य जाति हैं, जेंटाइल हैं, या जो वाचा के संदर्भ में नहीं थे, वो उससे बाहर थे, अलग थे, और उनके लिए पौलुस कहता है कि और वो कौन से लोग थे? आशा रहित और जगत में ईश्वर रहित। उनके पास आशा नहीं पाई गई और परमेश्वर की आशीष उनके लिए नहीं पाई गई, क्योंकि उन्होंने, वो अपने आप उससे अलग थे, परमेश्वर की विधियों से, उसकी आज्ञाओं से, और इस बात को जानने समझने का आवश्यकता। इसलिए आज वो लोग धन्य हो जाते हैं जो अन्य जाति में से विश्वास करते हैं और उनमें से विश्वास करते हैं जो यहूदी लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू दोनों वर्गों को मिलाता है और परमेश्वर की संतान बनाता है। इसलिए हम धन्य हो जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके संतान बन जाते हैं। तीसरी बात लिखा है 13 पद में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा अब निकट हो गए हो। जो पहले दूर थे, जिनके पास कोई आशा नहीं पाई गई, अब वो यीशु मसीह के कारण परमेश्वर के निकट आ गया। इसके बारे में हम कुछ पढ़ना चाहेंगे, मैं चाहूँगा मेरे साथ निकालें मेहरबानी से 2 कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 10 पद से उसके 11 पद तक। 2 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय, लेट अस रीड इन दिस कनेक्शन ऑफ 3rd पॉइंट, 2 Corinthians 7:10-11। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में से कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार के से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन के आधार पर पौलुस समझा रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों को कि पहले जो हम शोक ईश्वर रहित थे, ईश्वर भक्ति और शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता, लेकिन हमारे मन के अंदर वो पश्चाताप उत्पन्न हुआ जो ईश्वर की भक्ति करना चाहता है और परमेश्वर के उद्धार को चखना चाहता। पहले तो हम इससे रहित थे, लेकिन जब हमने पश्चाताप किया, अपने आप में आए, अपने गुनाहों को माना, तो परमेश्वर के निकट आए और हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर भक्ति का शोक उत्पन्न हुआ और पश्चाताप उत्पन्न हुआ, जिसका परिणाम जो है उद्धार है। इट इज रिटन हियर, फॉर गॉडली ग्रीप प्रोड्यूसेस अ रिपेंटेंस दैट लीड्स टू सॉल्वेशन विदाउट रिग्रेट, वेरस वर्ल्डली ग्रीप प्रोड्यूसेस डेथ। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, हमें जीवन प्रदान करता है जो अनकालीन जीवन है, जो भक्ति का जीवन है, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन है। We read again, for see what earnestness this godly grief has produced in you, but all who with what eagerness to clear yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what punishment, at every point you have proved yourselves innocent in the matter. अब इसको हम हिंदी में और दोबारा देख लें, लिखा है, हाँ तो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक
हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार के से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके जीवन के अंदर ये सारी बातें होती है और परमेश्वर उस पर दया करता, करुणा करता। 12 पद का आप देखें, 2 कुरिन्थी 7:12 में लिखा है, फिर मैंने जो तुम्हारे लिए पास लिखा था वो ना तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और ना उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वो परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए, इसलिए हमें शांति मिली। हमारा उत्साह है उसको जानने का, पश्चाताप करने के बाद वो प्रकट हो जाता है और उसकी शांति हमारे मन के अंदर आ जाती, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर निवास करने लगता। तीसरी बात को यहाँ पर पौलुस कहते हैं, तीसरी बात पर अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया। उसमें आने पर, उसके नाम पर विश्वास करने के बाद हमारे अंदर वो भक्ति उत्पन्न होती है जो आत्म सच्चाई से होती है। हम उसकी आराधना करने लगते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और उसकी महिमा हमारे द्वारा होती है। अब यह चौथी बात हम देखें जो 14 पद है, यहाँ पर इफिसियों 2:14 जहाँ लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। परमेश्वर ने अपनी कृपा से हमें अपने परिवार में शामिल कर लिया। अब इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के पास आते हैं और अपने विश्वास में हो करके उसके नाम के द्वारा हम उसके परिवार के हो जाते हैं। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लें रोमियो की पत्री उसका 6:20-23, रोमियो की पत्री उसका 6:20-23 जहाँ पर इसी बात को अलग प्रकार से संत पौलुस समझाता है। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय क्या तुम फल क्या पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूर तो मृत्यु है लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से पौलुस इस बात को स्पष्ट करके कहता है, हमने देखा चौथी बात को, क्योंकि वही हमारा मेल है और जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में ढा दिया। कैसे? जब हमने अपने पापों को माना, पापों से पश्चाताप किया। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से पौलुस कहता है कि पहले, परंतु अब तो पाप से स्वतंत्र होकर तुम परमेश्वर के दास बनकर उस तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत मृत्यु अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उस मृत्यु से बच करके उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर के द्वारा हमें दी जाती है। मानो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। इस बात को जानने और समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। पांचवी बात जो हम पाते हैं पद 15 से लेकर के पद 19 तक, इफिसियों 2:15 से, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति बढ़ती मिटा दिया कि दोनों में से अपने में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा ले, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। ये परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करता है। इस बात को हम अच्छा और ज़्यादा समझना चाहेंगे। मैं चाहूँगा हम कुछ पदों को और पढ़ें और इसके बारे में देखें कि प्रभु का वचन हमारे लिए यहाँ क्या कहता है। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से इस बात को देखें कि यहाँ पर पौलुस हमारे लिए यहाँ पर क्या कहता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। अगर आप देखें यूहन्ना के 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर
अपने संतान का अधिकार प्रदान करता था उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम सब परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपते हैं। और यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, मैं चाहूँगा अपने साथ देखें, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 16 पद से, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 16 पद से इसी मेल मिलाप के बारे में यह समझा गया, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 16 पद से। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। फ्रॉम नाउ ऑन देयरफॉर वी रिगार्ड नो वन अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा ना जानेंगे। इवन दो वी वंस रिगार्डेड क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, वी रिगार्ड हिम दस नो लॉन्गर। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। देयरफॉर इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, द ओल्ड हैज पास्ड अवे, बिहोल्ड द न्यू हैज कम। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ऑल दिस इज फ्रॉम गॉड हु थ्रू जीसस क्राइस्ट रिकंसाइल अस टू हिमसेल्फ एंड गेव अस द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर ना नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। दैट इज इन क्राइस्ट जीसस वॉज रिकनसाइलिंग द वर्ल्ड टू हिमसेल्फ, नॉट काउंटिंग देयर ट्रेसपासेस अगेंस्ट देम एंड एंटस्टिंग टू अस द मैसेज ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। तो हम परिवार में जो ईश्वर का परिवार उसके सदस्य कैसे बन जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम नई सृष्टि बनाए जाते हैं। और पहले जो ईश्वर के हम बैरी थे अब परमेश्वर के परिवार के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है और हम उस परिवार में मानो दत्तक पुत्र और पुत्री के समान स्वीकार किए जाते हैं। अब पौलुस यहाँ पर यही तो कहता है, वो क्या कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। सो देन यू आर नो लॉन्गर स्ट्रेंजर्स एंड एलियंस बट यू आर फेलो सिटीजंस विद द सेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो गए और ये हमारे लिए एक सौभाग्य है और ये हमारे आशीष की बात है। मित्रों, तो ये सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या आप भी उसके परिवार के सदस्य हैं। द क्वेश्चन राइजेस हियर, एम आई अ मेंबर ऑफ हिज इटर्नल फैमिली, हिज हाउस होल्ड, द हाउस होल्ड ऑफ गॉड, इन नो फेथ इन दिस वर्ल्ड इट इज फाउंड दैट ए बिलीवर ऑफ गॉड by certain media or certain way becomes a member of his in his family, nowhere in the world except in Jesus Christ। यीशु मसीह हमें अपने नाम के कारण जब हम उस पर विश्वास करते हैं हमें परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनाता है और हमारे लिए बहुत बड़ी धन्य बात है, आशा की बात है और आनंद की बात है और शांति की बात है। आप याद करिए जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, जीवन के अंदर परेशानियाँ थी, कठिनाइयाँ थी, हर प्रकार के उलझन थे, निराशाएँ थी और जीवन किसी प्रकार से कहीं पर भी तालमेल में नहीं होता था, जीवन में असंतुलन बना रहता था। लेकिन जैसे यीशु मसीह पर आपने विश्वास करा आपके जीवन के अंदर संतुष्टि आ गई, अपने अंदर से उस शांति को महसूस करा। और शांति क्या है मित्रों, यीशु मसीह का आपके अंदर निवास करना। और इन दिनों में जबकि हम इस पैंडेमिक के अनुभव में से गुजर रहे हैं, करीब करीब 4-4.5 महीने हो गए, अधिकतर लोग हम घर से नहीं निकल रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं लेकिन सावधानी के साथ, हम भी ऐसा कर सकते हैं सावधानी के साथ, यानी घर के अंदर बंद रहें इतना भी हम ना डरें, लेकिन अपने कार्य को करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन सावधान रहें। यह तो कोई शारीरिक बात है लेकिन आत्मिक रूप से
हम एक मलयुद्ध के अनुभव से गुजरते हैं और ये मलयुद्ध हमारे मन को निराश करता है। दिस स्पिरिचुअल वारफेयर इन अ स्पिरिचुअल लाइफ मेक्स आर लाइफ होपलेस स्पिरिचुअली विथ ऑल टाइप ऑफ पैनिक्स दैट आर फ्लाइंग अराउंड अस, बट वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट बिकॉज जीसस इज आवर विंडिकेटर, ही इज आवर लॉर्ड एंड सेवियर। We need to be careful physically in this world now also, but I know and we know that in Christ He has called us into victory. और वो हमें जीवन में जयवंत करेगा। वो हमारे जयवंत प्रभु है जिसने मृत्यु को हरा दिया है। मृत्यु को हराने वाले से बढ़कर कोई जयवंत नहीं हो सकता है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए इस काम को पूरा करा। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता। छठी बातें लिखा है 20 पद में, और प्रेरितों और नबियों की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है बनाया गया हो। वो उस कोने का पत्थर है जो हमारे विश्वास रूपी भवन के कोने का पत्थर है। और अगर यीशु मसीह उस कोने का पत्थर है तो जो आत्मिक महल आत्मिक घर प्रभु हमारे लिए बना रहा है वो हमारे लिए बनेगा, मजबूत बना रहेगा। क्योंकि हमारा विश्वास सांसारिक उपाय पर नहीं, हमारे ज्ञान पर नहीं, हमारे उपायों पर नहीं, हमारे तमाम उन बातों पर नहीं जो हमारे उपाय हैं, पर परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है। और जब हम उसमें आधारित रहते हैं जो हमारा विश्वास का कर्ता है और हमारा सिद्ध करने वाला है, तो जीवन में हम हमेशा इस संसार में और आने वाले संसार के अनंत काल तक उसके नाम से सुरक्षित हैं। यहाँ इसीलिए लिखा है, और पीड़ितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं है हम बनाए जाते हैं। हमारा जीवन जो है उसमें मजबूत होता जाता है जिसके कोने का सिरे का पत्थर स्वयं परमेश्वर है, उसका पुत्र यीशु मसीह है। आगे लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिल करके प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है और हम उसके निवासी स्थान है। सातवीं बात में लिखा है 22 पद, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। और यहाँ पर इस बात को हम देखेंगे कि किस प्रकार से कलीसिया के अंदर उन लोगों को प्रभु का मंदिर कहा गया। मैं चाहूँगा अपने साथ निकाल लें पहला कुरिन्थी उसका 30 अध्याय उसके 16-17 पद को देखें। पहला कुरिन्थी 30 अध्याय 16-17 यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो, यानी हमारे जीवन की आवश्यकता। हम लोग चर्च बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये वो हो जाए या ये हो जाए, लेकिन मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार के जीवन काल में ये हमारे लिए मंदिर हमने बनाया, हमारे मित्रों ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे बुजुर्ग बनाया, बुजुर्गों ने, उनमें से कुछ दुनिया में नहीं है और कुछ हैं। इस मंदिर के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, इस भवन के लिए, चर्च भवन के लिए, लेकिन वास्तव में क्या ये प्रभु के निवास स्थान के रूप में मान सकते हैं? बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा कि तुम एक एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है, आपका हृदय ईश्वर का मंदिर है। साफ साफ लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? और जब हम सब उस भवन में आते हैं, हमारे आने से आराधना करने से ईश्वर की ये भवन जो है पवित्र होता है, या उसके नाम की हम स्तुति या बड़ाई करते हैं। आगे लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, चर्च बिल्डिंग को नहीं परंतु आपके विश्वास को अगर कोई बर्बाद करता है, आप बर्बाद होने देते हैं, तो यहाँ लिखा है परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम। तो यहाँ आत्मिक अर्थ जो है बहुत ही गहरा है, वो ये है कि हमें अपने विश्वास में इतना मजबूत होने की आवश्यकता है कि कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कठिनाई हमारे विश्वास को कमजोर ना करने पाए। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इट इज़ रिटन हियर, डू यू नॉट नो दैट यू आर गॉड्स टेम्पल एंड दैट गॉड स्पिरिट ड्वेल्स इन यू? इफ एनी वन डिस्ट्रॉयज गॉड्स टेम्पल, गॉड विल डिस्ट्रॉय हिम, फॉर गॉड्स टेम्पल इज होली एंड यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। And therefore the responsibility comes on us
as individual believer of Jesus Christ, that I need to stand firm in my faith. And because of your faith, if tomorrow someone says and comes with a warrant or anything that deny Christ or die, what will be your answer? As per my answer will be, I'll say, Jesus, I love you. You have kept me safe thus far, and I continue to love you. And that will be my answer. What is your answer, my friend? Are you ready to say this answer in from your heart? Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, and many others in the history in the Bible, and many others in the church history have given their lives at most. St. Paul, it is said ultimately he was beheaded in Rome in jail, and the time is around 62 to 64 AD. He was beheaded. Before that, you see John the Baptist, when Jesus was alive, he was beheaded in the jail. And there are many who left, who had given their life for the sake of Christ. Because you are the temple of God, let this faith increase day by day, and we'll be willing to lay down our life if the time permits, if the Lord's will is that for me and you. And this has to be there, otherwise everything is shallow. Everything is shallow. All our claims are shallow. Everything is shallow. But when we claim that I can lay down my life for Christ, for His name's sake, you will be regarded and respected there in heaven. For eternity, you will shine like a star. Daniel 12 chapter 3rd verse. आप उसके लिए अनंत काल तक चमकेंगे एक तारे के समान. और वह लिखा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वो अनंत काल तक तारों के समान चमकते रहेंगे. कौन धर्मी बनाते हैं? वो जो उसकी उसके कलीसिया का अंग है, जो उसकी पवित्र कलीसिया है, जो हमेशा जागरूक है, विश्वास में मजबूत है, और प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला है, प्रभु की आज्ञा को मानने वाला है. मित्रों, आज हम ये रुक जाएंगे. मेरी आशा है कि हमने आज बहुत कुछ सीखा है. आइए हम अपने आप को सौंपें प्रभु के हाथ में. लेट अस ऑफर आवर सेल्व्स एंड आस्क द लॉर्ड टू लीड अस, इंक्रीज आवर फेथ and make us a true temple of God, so that people may know in and through our lives that we belong to Jesus and we are His living temples. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के वो पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि आप हमें ऐसा जीवन दे प्रभु कि हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहें और आप में बढ़ते चले जाएं. कलीसिया के तमाम विश्वासियों पर आशीष चाहते प्रभु, हर एक को संभाल, हर एक की सहायता करें. आज के वचन पर आशीष हो प्रभु. ये वचन के बीज हमारे हृदय के अंदर प्रभु जी अंकुरित हो जाए, फलवंतित हो, और इसमें 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल उत्पन्न हो सके. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. डियर फ्रेंड्स, कपल ऑफ अनाउंसमेंट. This Bible study will continue every day from 7:30 to about 8:30. So please encourage your friends and prayer partners and participate. Also, we are in the prayer chain. Our time is night 10 to 11, and I request you to please join us. मित्रों, मैं चाहूँगा कि हम prayer chain में भाग लें, और हमारा समय है रात को 10 से 11 बजे तक. साथ ही साथ अगर आपको पासवान की मदद चाहिए, हमारा चर्च का ऑफिस खुलता है, समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 तक. आप आइए और पादी साहब के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं. जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, पादी साहब आपके साथ मिलकर आपके प्रार्थना करेंगे. साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आके पादी साहब प्रभु भोज दें, तो आप अपने घर में आसपास जो हमारे चर्च के लोग रहते हैं उनको बुला लें. सोशल डिस्टेंसिंग को याद में रखते हुए, ध्यान में रखकर हम आपके घर में आकर आपको प्रभु देंगे. समय वही होगा शाम को 6 से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक. हम एक दो जगह जा सकते हैं. अगर आप चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन के द्वारा इस बात की जानकारी दें. मित्रों, आप अपने चर्च फंड जमा करने के लिए भी इसी समय में आ सकते हैं, सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक. जो आपका चर्च फंड है, टाइथ है और संडे ऑफरिंग्स हैं, और आप उसको जमा कर सकते हैं, रसीद तुरंत ले सकते हैं. मैं बताना चाहता हूँ मित्रों की प्रभु की दया से
चर्च की फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, प्रभु की दया से हम सब कुछ ठीक से चला रहे हैं, अब प्रभु चला रहा है। इंसान तो चर्च को क्या चलाएगा, हम तो मरणशील प्राणी है, चर्च को चलाने वाला प्रभु है, जिसके लिए हम उसके सामने अपने प्लजेस करते हैं कि प्रभु हम इतना हर महीना देंगे, ये प्रभु हमारी संडे ऑफरिंग है, प्रभु को देते हैं, तुम इसको देते रहें और आप देखेंगे उसके आश्चर्यकर्मों को कि किस प्रकार से वो आपको आशीषित करता है और आपका परिवार उस आशीष से परिपूर्ण होता है। हम प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे MPs, हमारे MLAs और हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, मेथडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, खासकर तमाम बिशप्स के लिए, हमारे बिशप सुबोधसी मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीत दास, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर रेवरेंड वरेंद्र कुमार, हमारे हर एक DSS के लिए प्रार्थना करें, और साथ ही साथ हम प्रार्थना करें हमारे हर एक पासबानों के लिए, कलीसियाओं के लिए, कि ये सारी कलीसियाएँ प्रभु की मर्जी में आगे बढ़ती चली जाए। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के तमाम जवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए जो WCS की हैं, मैथ्यूसमैन के भाइयों के लिए, तमाम परिवार के माँ बाप के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें प्रभु के आशीष हर एक पर बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और इस सभा को जो बाइबल स्टडी का है समाप्त करें। धन्यवाद स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर समय दिया। आज हमने जो कुछ सीखा प्रभु उस पर आशीष हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप हमारे हृदय को प्रभु प्रोत्साहित करें और हमारे जीवनों को आप महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु अगर आज कोई बीमार है, दुखी है, परेशान, हम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनको चंगाई दे और अपना अनुग्रह उनको प्रदान करें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने गुनाहगारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे गुनाहगारों को माफ़ करें, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल को दुष्ट रिफाकत शराकत हमें से हर एक के साथ, हमारे परिवारों के साथ और एपिसल मैथिस चर्च के इंग्लिश, हिंदी, नेपाली कॉन्ग्रेगेशन के हरेक परिवारों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू, कीप यू सेफ अंडर द शैडो ऑफ हिज होली विंग्स। गुड नाइट, सबको शुभ रात्रि, प्रभु आप आशीष दे सबको, जय मसीह की, धन्यवाद।